हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल शुएन ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। वो तो आज मैं और मेरा भाई हम जाने वाले एक सीक्रेट प्लेस पे, यही लेके जाएगा, यही बताएगा। हम जाएंगे रमेश नगर हनुमान जी के मंदिर में। आज मंगलवार है तो बस हम निकल रहे हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं, फिर हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं और अभी थोड़ा सा रास्ते का भी व्यू दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हम सब लोग, तो हम जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं रमेश नगर हनुमान जी के मंदिर में और आज मंगलवार भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। Yo, stay focused, man's on a mission. Wavy like the ocean, ain't got time for inhibition. Eyes on a prize, lock it in your vision. Straight up, man, let's go. Guys, राम राम फिर एक बार सबको। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर, अब हम मंदिर में रमेश नगर हनुमान जी के मंदिर में। गाइज, नियर बाय लोकेशन है, अगर आपको आना ना तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको रमेश नगर का, वहाँ अगर आप किसी से भी पूछोगे ना हनुमान मंदिर का पर रमेश भाई साहब, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर ही इतने प्यारी प्यारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं हनुमान जी की, बहुत बड़ी बड़ी है। अभी तुम्हें रोटेट करके दिखाता हूँ। सो गाइस, देखा आप सबने कितनी प्यारी मूर्ति है हनुमान जी की। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और बाकी हम जो भी दिखा सकते हैं वो दिखाते हैं। Let's go. गाइस, मैं तो मंदिर के अंदर जा रहा था, कह रहा था कुछ राक्षस का मुंह आ गया, पता नहीं क्या दिखाने की कह रहा। क्या हो गया भाई, क्यों ले आया बाहर वापिस? और यहाँ पर भी देखो हनुमान जी है भाई, यहाँ तो निकालिया। अच्छा, इसको कह रहा है ये तो वो है भाई, सुरपण का ये दिखाता हूँ। हट जा भाई, गाड़ी आ रही है पीछे से, ये दिखा रहा है। मैं अंदर जा रहा था, कह रहा था बारह राक्षस दिखाऊंगा, उसके तो मुंह में भी कुछ है भाई, मुंह में बाढ़ हनुमान जी है वो। अच्छा, मुंह में तो हनुमान जी है। गए नहीं थे क्या सब? अरे हाँ, लंका, हाँ लंका जा रहे थे, वो समुद्र में मिली थी, उसके पेट में चले गए थे हनुमान जी। फिर बढ़िया है, अंदर चले भाई, अब की भारी दिखाता रहेगा। अब बहुत सारी मूर्तियाँ हैं भारी यार। जय श्री राम। आज टी शर्ट भी बढ़िया पहनी तुम्हारे भाई ने, ये अभी मैं गया था हरिद्वार ऋषिकेश, वहीं से ली थी मैंने वापस आते हुए हरिद्वार से। बढ़िया एकदम टी शर्ट, सही है। जय हिंद जय भारत। चल रहे हैं अंदर, चल रहे हैं। अरे कहाँ चला गया, मुंह में चला गया उसके, ये बस्ता आ रहा है पीछे से भाई। चल ले के अंदर मंदिर में, चलो भाई चले भाई, चलो भाई चलो भाई, चलो अंदर क्या जाए। देखो भाई, ये गाइस ये फ्रंट है यहाँ का, बहुत मस्त फ्रंट है, देखो। सो गाइस, हम मंदिर के अंदर आ गए, मंदिर के अंदर का व्यू है, कितना प्यारा गार्डन है यहाँ पे, और ये हनुमान जी की सबसे बड़ी वाली मूर्ति यहाँ पे। लियो भाई, ले आया प्रसाद, ले आया। चलो भैया, फ़ोन करते हैं, थोड़े से दर्शन कर लेते हैं। सो गाइस, अभी हम फ़ोन रखे हैं, थोड़े से दर्शन करेंगे। मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे, मतलब मंदिर के अंदर आऊँ और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, दर्शन कम करूँ, तो जितना होगा वो दिखा दूँगा। बाकी अभी उधर से एंट्री करी थी और इधर अभी भगवान से मिलाते यहाँ पर आए हैं। और ये देखो कितनी प्यारी स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, ये सीन तो सबको याद ही होगा है ना, बेर वाला सीन। ऐसी मूर्ति आगे भी है, आगे चलते हैं। और गाइस, ये कृष्ण राधा की मूर्ति बहुत प्यारी बना रखी है, देखो बहुत अच्छी लग रही है। और ये हमारे हनुमान जी, और ये कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना रखा है, शिव जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और नहीं शिव जी नहीं है, ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं, और ये शिवलिंग की जब पूजा कर रहे थे वो लंका जाते हुए। देखो गाइस हनुमान जी, ये देखो बहुत प्यारा स्टैचू बना रखा है हनुमान जी का, फोटो भी है। और एक उधर एक गुफा है, ये वाली गुफा खुलती भी है, ये गुफा खुलती है सच्ची में, बहुत प्यारा मंदिर है। अब चलते हैं आगे। और गाइस, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे देखो भैरव बाबा, कितनी प्यारी मूर्ति बना रखी है भैरव बाबा की। और गाइस, ये शनिदेव महाराज हमारे, बहुत प्यारी मूर्ति बना रखी है। गाइस, ये है नवग्रह मूर्ति है यहाँ पे, बहुत प्यारी बना रखी है। सो गाइस, ये साईं बाबा, और ये देखो हम आ गए पहाड़ के पास, और ये हमारे साईं बाबा अंदर, ये पंडित जी बैठे हैं इधर। और आगे देखो बहुत प्यारी मूर्ति है, दिखाता हूँ अभी मैं जाके, कहाँ गया खुश चला गया पता नहीं कहाँ पे। और गार्डन भी बहुत प्यारा है,
यहाँ की मेन मूर्ति हनुमान जी की, जहाँ प्रसाद चढ़ता है, बड़ी वाली मूर्ति है हनुमान जी की, उसके ही नीचे। सो गाइस, ये आ गई बड़े वाले चट्टान, और ये शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। और ये वाला गेट यहाँ पे दिख रहा है, ये खुलता भी है पर अभी बंद है, ये बच्चे शोर मचा रहे मंदिर में। भाई, जो बालक शोर मचाते मंदिर मत आया करो। और ये देखो, आगे भी है शिव जी हैं, और ये बहुत प्यारी मूर्ति है, थोड़ी दूर से दिखाऊंगा तो अच्छी दिखेगी। और अभी हम अंदर भी जाएंगे, गुफा भी अंदर। तो गाइस, देखा आपने कितना प्यारा मंदिर है, और हनुमान जी मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे। तो मंगलवार को शनिवार को आया करो इधर मंदिर में, बहुत प्यारा मंदिर है। लोकेशन मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं आगे। तो गाइस देखो, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कितनी प्यारी मूर्ति है यहाँ पर। और ये देखो शिव जी, हमारे भोले भंडारी, जटा फैला के पहाड़ों के बीच में, नंदी बैल और गोरा माता। कितना प्यारा मंदिर है, और कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे। देखो आप मेरे पीछे से भी देखो, बहुत प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे। अभी हम जाएंगे गुफा के अंदर, और ये देखो मेरे साथ में खड़े हैं विष्णु जी। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, और वो खुश चला गया आगे, मैं भी आगे जा रहा हूँ। देख रहे हो ये मेरे पीछे कौन है, ये है श्री राम और लक्ष्मण है गोरे, और ये हैं हमारी सीता माता। तो यहाँ पे एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं, बहुत प्यारी मूर्ति है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो बहुत प्यारी मूर्ति है, बहुत प्यारा मंदिर है गाइस, आना सबको अच्छा लगेगा। हनुमान जी गोरे पीछे। सो गाइस, कुछ भाई ने बताया भी अभी हम गुफा के अंदर भी जाएंगे, तो अभी हम गुफा के अंदर जाते हैं, फिर बताते हैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस, गुफा के अंदर जाके कैसा लगा हमें, गुफा ड्रामनी है या फिर थोड़ी सी जैसी होती है नॉर्मली वैसी है। देखते अभी हम यहाँ पे खड़े थे, अभी हम गुफा के अंदर जाने वाले थे। उससे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पानी चल चुका है, शिव जी ने अपनी जटा खोल दी और गंगा बह चुकी है। भाई साहब, कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से। अब थोड़ा सा ना, क्योंकि शाम का मौसम भी हो गया है तो लाइट थोड़ी कम है, तो अभी हमने जय श्री राम बोला था तो लाइट जल गई थी ऑटोमेटिकली बहुत सारी मंदिर के अंदर। और बहुत प्यारा मंदिर है, और भाई की फ़ोन की क्लैरिटी देखो एकदम मस्त। ये रे हनुमान जी, और ये रे हनुमान जी। उसको फ़ोन कर रहा था मैं, कह रहा पता नहीं कहाँ चला गया, वो गया है गुफा के अंदर, मैं भी जा रहा हूँ गुफा के अंदर। चलो इसी गुफा के अंदर। तो गाइस ये रही गुफा के अंदर आ गया मैं। तो देखो गाइस, गुफा है, माता जी। और कहाँ तक है ये गुफा? जय माता दी। अरे यहाँ से शोर मचा रहा है क्या भाई, मैं खो गया था यार। अरे फिसल रहा हूँ भाई, अरे भाई फिसल रहा हूँ भाई, अरे भाई बाहर से दिखाई आ जा पूरा। तो गाइस हम आ गए गुफा के अंदर, ये अंदर आ गए, पहले वो पतंग के अंदर आ गया, इसको देखने आया था, मुझे लगा अंदर आइए भाई। आ जा भाई, कुछ भी कहो, गर्मी बहुत हो रही है मेरा वैसे तो फिलहाल, बहुत गर्मी हो रही है। जय माता दी। कहाँ तक है गुफा? भाई कितनी लंबी गुफा है? भगत जी, ये बच्चा कह रहा है जय माता दी, जय माता दी। ये भी है बच्चा ही है, ये भी। जय माता दी, जय माता दी। हम कहाँ से निकले हैं? ये इस मुंह के अंदर से निकले हैं हम बाहर ही आ गए भाई मंदिर गए, तो हमें दूसरी गुफा में जाना था, हम दूसरी गुफा में चले गए, अब हम बाहर आ गए, अब हम चलते हैं दोबारा से अंदर। गुफा के अंदर आ गए हम, अब गुफा के अंदर से होते हुए ही उल्टे वापस जाएंगे हम बाहर की तरफ, मतलब मंदिर के अंदर की तरफ। तो गाइस बहुत प्यारी गुफा है, बस यहाँ पे मेरे को गर्मी बहुत लग रही है, जबकि मैं हल्की टी शर्ट पहन के आया था,
तो बोलो जय माता दी, जय हनुमान जी की, जय श्री राम। तो ये रहे सीढ़ियों का रास्ता ऊपर से, और ये स्लाइड का रास्ता है। यहाँ पे दो रास्ते हैं और ये पूरी लंबी गुफा है, वहाँ तक जा रही है। और ऐसे करके ना इन्होंने यहाँ पे नौ माताओं की तस्वीर लगा रखी है। देखो बच्चे भगते हुए आ रहे हैं, बच्चे भगते हुए आ रहे हैं। बालक हैं, बालक हैं, ये बालक हैं, छोटे छोटे भगते हुए आ रहे हैं। जब मैं सीढ़ी पे से चल रहा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, और ये भाई बालक हैं, बालक इधर उधर हो ही जा रहे हैं। देखो फिर भगते हुए गए, इनको सही गुफा मिली थी खेलने के लिए। तो हम जाते हैं बाहर की तरफ। हम गुफा से बाहर आ गए हैं और बहुत हनुमान जी के पास खड़ा हूँ मैं, और मेरे को भगत जी ने वो भी दिया मिश्री खाने के लिए प्रसाद। पास में आ रही हूँ, तो खेल रहा था भाई बच्चों के साथ अंदर। जय माता दी। बहुत बड़े हैं भाई हनुमान जी, बहुत बड़े हैं। बच्चों एंजॉय, हनुमान जी को मैं खुश हो गया, हनुमान जी को मैं टच कर सकता हूँ यहाँ से, पर करूँगा नहीं क्योंकि हमने अभी प्रसाद खाया ना, तो हाथ झूठे हो जाते हैं। चले भाई, चलो भाई। शाम हो गई और यहाँ पे पानी चालू हो गया भाई साहब। ये देखो ये हमारे शिव जी हैं, पानी चालू हो गया, ऊपर से गंगा बह रही है, मस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठंडा पानी है। और ये बच्चे यहाँ पे भी आ गए मेरा पीछे करते। हमने तो साफ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो भाई अब हम चलते हैं बाहर। मैं पहले बाहर जाने वाला था, फिर गार्डन के गेट खुल गए तो मैं गार्डन के अंदर आ गया, और ये भी गार्डन के अंदर आ गया। और हम पता कहाँ बैठे हैं? विष्णु जी खड़े हैं, इनसे थोड़ी सी क्लास ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं भाई? क्लास ले रहे हैं, क्लास थोड़ी सी। गाइस पता है मैं किससे चढ़ने में लेटा हूँ? मेरे चढ़ने में लेटा हुआ है। क्या है गाइस, पता है मैं किसके चढ़ने में लेटा हूँ? मेरे चरण आ गए थे, मैंने कहा मेरे चरणों में लेटा हुआ है। अरे भाई मज़ा आ रहा है भाई, सो जाओ यहीं पे, मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई अब तो, शाम को देख रहे हो आप भाई, बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं ना मंदिर के अंदर आके भी। भाई साहब क्या बताऊँ बस मैं। हम जा रहे हैं विष्णु जी के पास, विष्णु जी के दौरे। ये हमारे विष्णु जी हैं। ये रे देखा, चक्र चला रहे हैं, चक्र हाथ में लेके, और पूरा मंदिर दिख रहा है यहाँ से, तभी विष्णु जी यहाँ पे हैं। पूरा मंदिर दिख रहा है और बहुत प्यारा मंदिर है भाई। गुफा के अंदर भी आए थे, पानी भी चल रहा है, बहुत प्यारा मंदिर है भाई। भाई यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है, और ये सारे आरती गुफा बनती के लिए खड़े हुए हैं, और ये गुफा भी खुल गई ऊपर की। अभी यहाँ पे आरती हो रही है, देख सकते हैं आप। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आरती हो रही है, सारे खड़े हैं ग्राउंड में भी और पीछे भी, आरती टाइम चल रहा है। और मैं आपको दिखाने के लिए आरती से थोड़ा सा साइड होके वीडियो बना रहा हूँ, और गर्मी बहुत हो रही है, दोबारा से बता रहा हूँ। तो पानी वाने का पीने का ध्यान रखा करो। तो मिलते हैं अब हम मंदिर के बाहर जाके। मैं आ गया हूँ मंदिर के बाहर, और ये भाई भी आ गया है तैयारों के बाहर। अब हम जा रहे हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम। भाई ने बोल दिया तो कर दो यार।